मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजनीति में सादगी, सुचिता और पारदर्शिता के प्रतीक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का उपचार के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर से समूचे भाजपा परिवार में शोक व्याप्त हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी ने आज भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। शाम 5 बजे उनकी पार्थिव देह भोपाल स्थित उनके निवास ले जाई गई। 25 नवंबर को सुबह 9:30 बजे श्री जोशी जी की पार्थिव देह प्रदेश भाजपा कार्यालय दीनदयाल परिसर में अंतिम दर्शनार्थ रखी गई। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। शुभम आज तक जिनके चरणों में पूरे प्रदेश की श्रद्धा थी, थोड़ा सा आईडी नीचे करना, तुम्हारी भी आईडी नीचे करना। और जो संत राजनीतिक कहे जाते हैं, संत थे, जोशी जी जैसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होता है, आज वो सिद्धे श्रीमान कैलाश जोशी जी हमारे बीच नहीं रहे। श्रद्धेय जोशी जी का पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा करते हुए बीता। मध्य प्रदेश की राजनीति की बिना उनके कल्पना नहीं की जा सकती। वो कुशल संगठक थे, सज्जन सचरित्र, राजनीति में ईमानदारी के प्रतीक थे, सदैव ढोंग आडंबर से दूर रहकर भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा किया। मध्य प्रदेश में वो लगभग हर पद पर रहे, वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, एक नहीं अनेकों पदों पर रहते हुए एक कुशल संगठक के रूप में, एक चिंतक और मनीषी के रूप में, संस्कृत ज्ञान के बहुत अच्छे जानकार के रूप में, जब जरूरत पड़ी तो संघर्ष करके जनता की सेवा की विरोध में रह के, और सत्ता में रहे तो मुख्यमंत्री या बाकी पदों पर जब भी वो रहे, पूरी प्रमाणिकता, ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक जनता की सेवा की। अपने और अपने परिवार के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।